तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल, जिसको टाइटल दिया गया है ए रॉयल सोमरसॉल्ट। रॉयल मतलब शाही, और ये जो शब्द लिखा हुआ है ना सोमरसॉल्ट, अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी ये शब्द आया हुआ है हमारे एडिटोरियल में। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आदमी पूरा की पूरा हवा में पलटी खा जाए। आप इसका फोटो देखना तब अच्छी तरह से समझ में आएगा, पूरा उछल के और पूरा की पूरा हवा में घूम के और वापस जो है फिर खड़ा हो जाए, उसको बोलते हैं सोमरसॉल्ट, पूरी की पूरी कलाबाजी दिखाना। दूसरा सोमरसॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब आपकी विचारधारा में आप पूरी तरीके से बदल जाओ, आपकी जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं को आप पूरी तरीके से बदल दो, तो उसके लिए भी हम बोलते हैं सोमरसॉल्ट। तो यही एडिटोरियल बात करता है कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अब तक कांग्रेस विचारधारा के समर्थक थे, वे पूरी तरीके से बदल गए। एक तरीके से उन्होंने पूरी तरह से पलटी मार दी और कहाँ आ गए अब बीजेपी में। इसीलिए टाइटल दिया गया ए रॉयल सोमरसॉल्ट, कि यह एक तरह की क्या है, शाही पलटी है। आगे देखते हैं कि सिंधियास स्विच टू द बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बदलना किसमें, बीजेपी पार्टी में जाना। स्विच का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन करना, कि भाई सिंधिया जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बदल के कहाँ चले गए, बीजेपी। तो उनका इस तरह से बीजेपी में जाना। पॉजेस, यहाँ पॉज का मतलब है खड़े करता है, क्वेश्चंस कि काफ़ी सारे प्रश्न जो है खड़े करता है। अबाउट द, किसके बारे में, द पॉलिटिक्स ही प्रोफेस्ड अंटिल नाउ। ये देखो ये जो शब्द है ना प्रोफेस, PROFESS, इस प्रोफेस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अपनी आस्था दिखलाना, किसी धर्म में, किसी कंपनी में, या फिर किसी विश्वास में जब आप अपनी आस्था दिखाते हो ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेस। तो एडिटोरियल ये बात करता है कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक जिन मान्यताओं में विश्वास करते रहे, जिन मान्यताओं को मानकर वो अपनी राजनीति करते रहे, उन बातों पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाता है उनका कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले जाना। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधियास डिपार्चर, डिपार्चर मतलब क्या होता है, प्रस्थान कर जाना, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। तो ज्योतिरादित्य सिंधियास डिपार्चर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रस्थान कहाँ से, फ्रॉम कांग्रेस से, एंड हिज अराइवल यानी पहुंचना, कहाँ पहुंचना उनका, बीजेपी में पहुंचना। रिवील, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। मेनी ट्रेट्स, इस ट्रेट शब्द का मतलब होता है लक्षण या फिर विशेषता, ऑफ बोथ पार्टीज एंड द मैन हिमसेल्फ। तो एडिटोरियल ये बात करता है साहब कि काफ़ी सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं पार्टी के भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी। ये जो घटना हुई है ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रस्थान कर जाना कांग्रेस पार्टी से और उनका बीजेपी पार्टी में चले जाना, बताता है काफ़ी कुछ जो है, खुलासे करता है, काफ़ी कुछ बताता है। मेनी ट्रेट्स, काफ़ी सारे लक्षण, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती, कौन की, बोथ पार्टीज़ की भी, इन दोनों पार्टीज़ की, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बारे में भी ये घटना बहुत कुछ कहती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी ये घटना बहुत कुछ कहती है। आगे देखते हैं कि दैट ही इज टर्म्ड, दैट ही इज टर्म्ड, यह कि ही इज टर्म्ड एज द लॉस्ट फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस, उनको संज्ञा दी गई। यहाँ पे टर्म का मतलब है किसी को नाम देना कुछ। दैट ही इज टर्म्ड एज द लॉस्ट फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस, कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे एक तरह से क्या थे, कांग्रेस के भविष्य थे, यानी कि भविष्य में जो है कांग्रेस की कमान संभालते। तो एडिटोरियल में लिखा गया है कि इनको क्या कहा गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उनको यह कह के संबोधित किया गया है कि ही इज द लॉस्ट फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस, कि यह कांग्रेस का खो गया भविष्य है। तो यह बात कहना, क्या कहना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लॉस्ट फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस कहना, यह बात कहना इज इट्सेल्फ एन आयरनी, यह अपने आप में एक विडंबनापूर्ण बात है। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। क्यों है ये विडंबनापूर्ण बात, बट ए मोर इंट्रीगिंग क्वेश्चन, ये जो इंट्रीग शब्द लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है पेचीदा या फिर जटिल, लेकिन और भी ज़्यादा जो जटिल प्रश्न है, और भी ज़्यादा जो जटिल सवाल है वो ये, इज वेदर, कि क्या द पार्टी वाज इंट्यूटिव, पार्टी वाज इंट्यूटिव, इंट्यूटिव का मतलब होता है एक तरीके से अंतर प्रज्ञा होना। जब आपको अपने मन में ही कुछ बात पता चल जाती है ना, पूर्वाभास हो जाता है आपको अपने मन में कि नहीं यार ऐसा कुछ होना चाहिए, तो सहज ज्ञान, उसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव। तो प्रश्न ये उठता है साहब, पेचीदा प्रश्न जो उठता है वो ये, वेदर द पार्टी, की क्या कांग्रेस पार्टी को मतलब ये सहज ही पता नहीं चल गया था, वाज वेदर द कांग्रेस पार्टी वाज इंट्यूटिव इन नॉट ह्यूमरिंग एनी फर्दर, फर्दर यानी और आगे, ह्यूमरिंग, इस ह्यूमरिंग शब्द का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, टू डू वाट समवन वांट्स सो दैट दे डू नॉट बिकम अनॉयड। तो किसी को संतुष्ट करना,
कि क्या कांग्रेस पार्टी को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसे व्यक्ति को लगातार संतुष्ट न करे जो कि समवन हु कुड, जो कि कर सकता है सो एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर का मतलब होता है एक पार्टी को बदल के दूसरी ओर चले जाना, एक पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष में चले जाना, टू द अपोजिट आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक, विचारधारा से संबंधित। एक्सट्रीम मतलब अति, किसी चीज़ की अति होना, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। कि भाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में अगर हम बात करें तो दोनों पार्टी क्या है, बिल्कुल अतिवादी है, यानी कि दोनों पार्टियों की जो विचारधारा है बिल्कुल अपोजिट है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम विचारधारा है। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि ठीक है, ये बात तो आपने कही कि ये जो है एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लॉस्ट फ्यूचर ऑफ कांग्रेस कहा, लेकिन एक जो जटिल सवाल उठता है वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का सहज ज्ञान नहीं था कि ऐसे व्यक्ति को जो है और ज़्यादा संतुष्ट न किया जाए, जो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति बड़े ही सहजतापूर्वक अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष से जाके मिल सकता है, और दूसरा पक्ष जो कि धुर विरोधी है। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखो कि हिज आंट, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंट जो है, और जो कि बीजेपी लीडर भी हैं, जिनका की नाम है यशोधर राजे सिंधिया, लाइकंड हिज स्विच टू ए होम कमिंग। तो उन्होंने, उनकी ये जो पार्टी बदली है ना इन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी, तो उनके इस पार्टी बदलने को उन्होंने पसंद किया है। किन्होंने? ज्योतिरादित्य, जो यशोधरा राजे सिंधिया ने पसंद किया है हिज स्विच, उनके बदलने को, उनके परिवर्तन को। और क्या कहा है? होम कमिंग। होम कमिंग का मतलब होता है घर वापसी, यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया ने एक तरीके से कहा है कि साहब एक तरीके से यह घर वापस आ गए हैं, यानी कि यह ही इनकी पार्टी थी, वास्तविक पार्टी। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि इन हिज क्रॉसिंग ओवर, कि एक तरीके से अपना पक्ष त्यागने में, या फिर अपना, अपनी पार्टी को त्यागने में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा गया, हिज आया ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि ही इज क्रॉसिंग ओवर। आगे देखते हैं डिटेल क्या कहता है। ही ऑल्सो बिट्रेड ए पॉपुलर मेंटर। देखो बिट्रेड का मतलब होता है विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना। ए पॉपुलर मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है आदेश या फिर जनादेश। तो यह जो इन्होंने अपना पक्ष को त्यागा है ना, या अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी पार्टी में मिल गया है, तो ऐसा करने से इन्होंने क्या किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरीके से धोखा दिया है। किस चीज़ को धोखा दिया है? ए पॉपुलर मैंडेट, जनता का जो आदेश था उस आदेश के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। दैट ही हिमसेल्फ वर्कड टू विन फॉर द कांग्रेस इन मध्य प्रदेश इन 2018। दैट, यह बात की ही हिमसेल्फ वर्कड, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं जो है प्रयास किया, किस चीज़ के लिए? टू विन फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस की जीत के लिए मध्य प्रदेश में इन्होंने 2018 में जो है पूरी तरीके से इन्होंने प्रयास किया, और अब उसी को छोड़ के ये जो है, और एक तरीके से क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बनी मध्य प्रदेश में। तो वही एडिटोरियल बोलते हैं कि साहब आपने जिस पार्टी के लिए काम किया, जिस पार्टी की आपने सरकार बनवाई, अब आप उसी को छोड़ के जा रहे हो, तो एक तरीके से यह जनता के आदेश के साथ विश्वासघात है। ये एडिटोरियल जो है यहाँ से बात, यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि द कमलनाथ गवर्नमेंट इज लाइकली, ये लाइकली शब्द आता है ना, इस लाइकली शब्द का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है साहब। तो अब क्या संभावना है कि कमलनाथ सरकार जो है, कमलनाथ कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। द कमलनाथ गवर्नमेंट इज लाइकली टू कॉलेप्स। कॉलेप्स का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना। तो ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि कमलनाथ सरकार जो है गिरेगी, या मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार जो है उसके गिरने की संभावना है। एंड, और क्या संभावना है? एंड शिवराज सिंह चौहान हु लॉस्ट द पोल, और शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव हार गए थे, अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है सेट टू, कि तैयार हैं रिटर्न, लौटने के लिए एच सी एम, मुख्यमंत्री के रूप में, विथ मिस्टर सिंधियास कोलेबोरेशन, ऐसा प्रतीत होता है। कोलेबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, गठबंधन, एक तरीके से गठजोड़। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर सिंधिया के समर्थन से, मिस्टर सिंधिया के सहयोग से, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो हैं वह दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में लौटने के प्रति जो है एक तरीके से दिखाई देते हैं, अपीयर सेट टू, कि एकदम तैयार दिखाई देते हैं। कि दो चीज़ें दिखाई देती हमें, एक तो इस बात की संभावना है कि कमलनाथ सरकार गिरेगी, दूसरा इस बात की संभावना नज़र आती है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव हार गए थे वे दोबारा से सीएम बनेंगे। किसकी मदद से? किसके कोलेबोरेट करके? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कोलेबोरेट करके, उनका सहयोग लेकर। आगे देखते हैं डिटेल क्या बात करता है कि एज फॉर द कांग्रेस, जहाँ तक कांग्रेस की अगर हम बात करें, एज फॉर द कांग्रेस विच नीड्स, जिसको की जरूरत है, कांग्रेस के लिए कहा गया है, जिसको की जरूरत है, एवरी मॉर्सल टू कीप इट सेल्फ अलाइव। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना मॉर्सल, इसका मतलब होता है निवाला, होता है ना जैसे रोटी का एक निवाला आप खा रहे हो, है ना, मतलब भोजन का एक बहुत छोटा टुकड़ा, उसको बोलते हैं मॉर्सल। तो एज फॉर द कांग्रेस, कि कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें,
विच नीड्स, जिसको की जरूरत है, किसकी जरूरत है कांग्रेस को, एवरी मॉर्सल टू कीप इट्सेल्फ अलाइव, कांग्रेस को अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रत्येक निवाले की जरूरत है। इट कैन इल अफोर्ड, इल अफोर्ड का मतलब होता है वहन न कर पाना, खर्चा न उठा पाना। तो कांग्रेस जो है इस बात को वहन नहीं कर सकती, किस चीज़ को नहीं झेल सकती, कांग्रेस किस चीज़ को वहन नहीं कर सकती, द लॉस ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है वह सरकार जो है चली जाए, इसको जो है नहीं झेल सकती कांग्रेस पार्टी, इसे वहन नहीं कर सकती। एंड एन अर्बेन फेस, ये जो अर्बेन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, यानी कि परिष्कृत, सुसंस्कृत, एक ऐसा चेहरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा गया कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से बहुत ही सुसभ्य चेहरा थे, एक सुसंस्कृत चेहरा थे। हु, अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आया, हु हैज़ ए वाइडर अपील, भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा अपील है, यानी कि एक बड़े पैमाने पर, एक विस्तृत पैमाने पर लोग बाग जो है उनको पसंद करते हैं। तो कांग्रेस जो है इस बात को नहीं झेल सकती, इस बात, किस बात को नहीं झेल सकती, कि एक राज्य में उसकी सरकार भी चली जाए और एक ऐसा चेहरा जो कि विस्तृत अपील रखता है वह भी उसकी पार्टी को छोड़ के चला जाए। तो कांग्रेस इसे नहीं उठा सकती, इसे नहीं झेल सकती। विथ हिज डी कैंपिंग, देखो विथ हिज डी कैंपिंग का मतलब है, डी कैंप का मतलब होता है अपने खेमे को या फिर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे खेमे में चले जाना। तो विथ हिज डी कैंपिंग, तो उनके इस खेमे परिवर्तन के साथ, ए न्यू टेम्पलेट इज एन ऑन ऑफर, ए न्यू टेम्पलेट इज ऑन ऑफर। देखो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में समझो इसे, इफ वन थिंग इज टेम्पलेट फॉर समथिंग एल्स, द सेकेंड थिंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट थिंग। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि ए न्यू टेम्पलेट इज ऑन ऑफर फॉर अदर कांग्रेस लीडर्स। अब देखो इनका क्या है कि ये तो अपनी जो है अपने खेमे को छोड़ के चले गए, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपनी पार्टी को छोड़ के चले गए, तो उनके इस खेमे परिवर्तन के साथ ही एक नया अवसर उपलब्ध हुआ है। ए न्यू टेम्पलेट इज ऑन ऑफर किन के लिए, अन्य कांग्रेस के नेताओं के लिए एक नया अवसर उपलब्ध हुआ है। कौन सा, एक अन्य कांग्रेस नेताओं के लिए कहा गया है, हु आर एम्बिशियस, जो कि महत्वाकांक्षी हैं, एंड इम्पेशेंट, और जो कि अधीर है, इम्पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य का अभाव हो, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब है कि बिल्कुल ठीक, एट द सेम टाइम का मतलब है जब दो घटनाएं साथ साथ होती है ना, तो उसी समय, तो एक घटना तो हुई है कि कांग्रेस पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं, दूसरी ओर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हुई है कांग्रेस के उन नेताओं के लिए जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है और बहुत ही अधीर है। क्या अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हुई है कि भाई ये जो जगह खाली हुई है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से, इस जगह को भरें, एंड आर फ्री ऑफ द फोर्स ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन, इस कन्विक्शन शब्द का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराने की प्रक्रिया, उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि साहब ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं ना, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली हुई जगह को भरना चाहेंगे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहेंगे, तो अब आप उन पर किसी तरह का दोष भी नहीं लगा सकते, आर फ्री ऑफ द फोर्स ऑफ कन्विक्शन, कि भाई पहले आप बोलते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए ये कांग्रेस के लीडर्स जो हैं उनको हटाने का प्रयास करते, तो आप जो उन पर दोष लगा सकते थे कि यार ये आप क्या कर रहे हो, अब तो जो है जगह खाली है, और जगह खाली है तो उसको भरने के लिए अगर ये प्रयास करते हैं तो इन पर किसी तरह का दोष भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि द कांग्रेस इज ड्रिफ्टिंग, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना ड्रिफ्ट, DRIFT, इस ड्रिफ्ट का मतलब होता है इधर उधर बहना, हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं, जैसे नाव है कोई वो नदी में पड़ी हुई है, अब नाव कभी हवा इधर चलती है तो नाव उधर चली जाती है, कभी उधर से हवा आती है तो नाव इधर चली जाती है, तो ड्रिफ्ट का मतलब है ऐसे ही धीरे धीरे बहना इधर उधर, है ना। तो कांग्रेस जो है ना वो बिल्कुल मंद मंद बह रही है, इधर उधर हवा के थपेड़ों में मंद मंद बह रही है। द कांग्रेस इज ड्रिफ्टिंग इन टू एन एनीहिलेटिंग, देखो एनीहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से मिटा डालना, किसी तरह से को किसी चीज़ को पूरी तरह से कैसे विनाश कर देना किसी चीज़ का, एनीहिलेटिंग, एडी, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना एडी, EDDY, इस एडी का मतलब होता है भंवर, पानी में जब देखा हुआ ना आपने गोल गोल चक्कर चलते रहते हैं भाई, अगर इसमें कोई चीज़ चली जाए तो पूरी की पूरी डूब जाती है। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे हवा के साथ जो है अपने स्वयं को विनाश करते हुए एक चक्कर में जा रही है, समझ गए ना आप, एडी का मतलब है भंवर, कि ये पानी है इसमें गोल गोल चक्कर चलते रहते हैं ना, तो कांग्रेस जो है धीरे धीरे बहते हुए है ना अपने आप को विनाश करते हुए एक भंवरी में आ रही है, एक चक्कर में आ रही है, और इस तरह से कांग्रेस जो है धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है, ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं कि इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट, ये जो इंटरिम शब्द लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है अस्थायी, टेम्प्रेरी, कि उनकी ये जो अस्थायी अध्यक्ष है ना जिनका की नाम है सोनिया गांधी, स्टिल इट्स मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन,
अभी भी सोनिया गांधी जो है, स्टिल अभी भी सोनिया गांधी जो है इट्स मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन। देखो अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव का मतलब होता है कोई भी सर्वमान्य व्यक्ति जिसकी आदेश को सब लोग मानते हैं कि भाई उसने कह दिया तो यही आज्ञा है, यही ऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं मुख्य अथॉरिटी। तो सोनिया गांधी जो कि अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी की और अभी भी जो है बिल्कुल मुख्य व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, विल हैव टू डू, उनको करना होगा, विल हैव टू डू, उन्हें करना होगा, क्या करना होगा, वाट इज इन हिर, वाट इज इन हर कमांड, भाई जो भी सोनिया गांधी की कमांड में है, यानी कि जो भी उनकी, जो भी उनके कमांड में आता है, जो कुछ वो कर सकती है ना, वह उन्हें करना होगा टू स्टीयर इट बैक ऑन कोर्स। यहाँ पे इट आया कांग्रेस पार्टी के लिए, टू स्टीयर इट बैक ऑन कोर्स। अभी देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, स्टीयर ए कोर्स, स्टीयर बैक ए कोर्स है ना, स्टीयर बैक कोर्स का मतलब होता है, देखो स्टीयर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो उसकी स्टीयरिंग आपके हाथ में होती है ना, जैसे आप कोई कार चला रहे हो तो उसकी स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो आप क्या कर सकते हो, कार को कंट्रोल कर सकते हो। तो एडिटोरियल बड़े ही पोइटिक अंदाज में कहता है कि एक तरीके से कांग्रेस की जो गाड़ी है, कांग्रेस पार्टी को क्या कहा गया है, एक तरीके से गाड़ी कहा गया है, तो कांग्रेस की गाड़ी को वापस अपने ट्रैक पर लाने के लिए सोनिया गांधी को ही कुछ ना कुछ तो जो है करना होगा, तो वही एडिटोरियल बोलना बोलना चाहता है। तो ये जो स्टीयर ए कोर्स का लिखा हुआ है ना, स्टीयर ए कोर्स, इसका मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो उपाय करते हो ना, उन उपायों को बोलते हैं स्टीयर ए कोर्स। तो कांग्रेस पार्टी को वापस पटरी पे लाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को जो है कंट्रोल करने के लिए सोनिया गांधी जो कुछ कर सकती हैं उन्हें वह जो है करना होगा। हिज एग्जिट, एग्जिट यानी उनकी निकासी, किनकी निकासी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की निकासी, उनका जो है अपनी पार्टी से चले जाना। पॉजेस, पॉजेस का मतलब है खड़े करती है, वही सवाल उठाती है, प्रश्न उठाती है। हिज एग्जिट पॉजेस टू क्वेश्चंस फॉर द कांग्रेस, कि उनका पार्टी को छोड़ के चले जाना कांग्रेस के सामने दो सवाल उठाता है, कौन कौन से सवाल, द कमिटमेंट ऑफ इट्स लीडर्स टू ए कोर आइडियोलॉजी, कि भाई कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, कोर आइडियोलॉजी, कोर आइडियोलॉजी का मतलब है मूल आपकी, आप आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा, कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो मूल विचारधारा है उस विचारधारा के प्रति कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी है, एंड व्हाट इट कैन डू टू होल्ड इट सेल्फ टुगेदर इन दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस। तो पहला प्रश्न तो ये हुआ साहब कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी प्रतिबद्धता अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति कितनी, और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी जो है क्या कर सकती है ना, एंड वाट इट कैन डू टू होल्ड, होल्ड का मतलब है रोकना किसी चीज़ को, इट सेल्फ कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो है जोड़े रखने के लिए, टुगेदर है ना, कि कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति जो है छोड़कर ना जाए एक दूसरे को। तो इन दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है इस संकट के क्षण में, इस संकट के क्षण में कांग्रेस पार्टी कैसे अपने आप को एकजुट बनाए रख सकती है, पहला एक प्रश्न तो ये है, और दूसरा प्रश्न है कि साहब इनकी प्रतिबद्धता कितनी है, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है, इन दो बातों पे जो है सवाल उठ खड़े होते हैं इस समय। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है, कि श्योरली निश्चित रूप से द पार्टी नीड्स, की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है टू प्रोमोट ए न्यू क्रॉप ऑफ यंग, क्रॉप का मतलब एक तरीके से क्या, फसल, ए क्रॉप ऑफ यंग एंड रूटेड लीडर्स, कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रमोट करे, किन लोगों को प्रमोट करे, नए नए यूथ जो है, यंग लोग जो हैं, रूटेड, रूटेड मतलब जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, रूटेड लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, कि हमारे देश की जो सामाजिक विविधता है उस सामाजिक विविधता में से नए नए यूथ जो हैं, ऐसे लोग जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि उनको राजनीति में आने का अवसर देना चाहिए। हु फाइंड इट ए व्हीकल, यानी कि ऐसे लोग जो कि देश की सामाजिक विविधता से भरे हुए हैं, जिनमें कि नेतृत्व करने की क्षमता है, और जिनको कि लगता है, हु फाइंड इट अ व्हीकल, जो कि जिनको लगता है कि साहब कांग्रेस पार्टी जो है एक व्हीकल है, एक स्रोत है, एक गाड़ी है, ऑफ देयर एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, यानी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार कांग्रेस पार्टी जो है एक तरीके से राजनीतिक ताकत पाने का या फिर अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने का साधन हो सकती है, तो कांग्रेस को भी जो है उन लोगों को जो है प्रमोट करना चाहिए, ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि मिस्टर सिंधियास फॉर्मल ऑर्डिनेशन, मिस्टर सिंधियास फॉर्मल, मिस्टर सिंधिया का औपचारिक रूप से जो अभिषेक है ना, ऑर्डिनेशन का मतलब है एक तरीके से अभिषेक करना किसी व्यक्ति का, एज ए हिंदुत्व टॉर्च बियरर, ये जो टॉर्च बियरर शब्द लिखा हुआ है ना, इस टॉर्च बियरर शब्द का मतलब होता है अगुआ या फिर पथ प्रदर्शक, तो इनको जो है अभिषेक किया गया है इनका एक तरीके से, और इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया है साहब कि ये हिंदुत्व का पथ,
हिंदुत्व का पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, तो यह बात जो है विल नॉट ऑटोमेटिकली रेज हिम। तो मिस्टर सिंधिया का हिंदुत्व पथ प्रदर्शक के रूप में अभिषेक कर दिया जाना अपने आप उनको नहीं उठा देगा। रेज का मतलब है किसी चीज़ को उठाना। टू ए डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब है डोमिनेंट बोलते हैं ना, डोमिनेंट का मतलब है कि भाई आपका प्रभाव हो, तो क्या बोलेंगे आपको डोमिनेंट। हिम टू ए डोमिनियन रोल, प्रभुत्व वाला रोल है ना, एक तरीके से प्रभावशाली रोल इन ए पार्टी सो ओवरवेलमिंगली। इसका क्या मतलब होता है ओवरवेलमिंगली का? ओवरहेल्म का मतलब होता है जब आप किसी भावना से भरे हुए होते हो, कोई सुख की भावना है या दुख की भावना है, जब उस भावना से आप पूरी तरीके से भरे हुए होते हो ना, तो उसको बोलते हैं ओवरहेल्मिंगली। अंडर द पर्सनलाइज्ड कमांड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये जो होम मिनिस्टर अमित शाह है ना, इन्होंने जो है हिंदुत्व का बीड़ा उठा रखा है, यानी कि हिंदुत्व का झंडा तो इन दोनों लोगों ने उठा रखा है। इन हिंदुत्व के पथ प्रदर्शक के रूप में ये दोनों व्यक्ति जाने जाते हैं। तो मिस्टर सिंधिया को एक तरीके से आपने ठीक है हिंदुत्व का पथ प्रदर्शक बना तो दिया बीजेपी पार्टी में शामिल करने के लिए, लेकिन इनका प्रभाव अपने आप ही नहीं बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही दो प्रभावशाली व्यक्ति जो है मौजूद हैं। ट्रू, बिल्कुल सत्य है ये बात। कौन सी बात जो है बिल्कुल सत्य है? कि ही वॉज एन enthusiastic सपोर्टर ऑफ द abrupt nullification। ट्रू, ये बात सत्य है कि ही वॉज एन enthusiastic। enthusiastic का मतलब होता है बिल्कुल जोशीला, कि बड़े ही जोशीले समर्थक थे ये। किस बात के? ऑफ द abrupt। abrupt का मतलब होता है अचानक। nullification का मतलब है किसी चीज़ को बिल्कुल नलीफाई कर देना, किसी चीज़ को शून्य कर देना, समाप्त कर देना किसी चीज़ को। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लास्ट ईयर। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का विशेष कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब संवैधानिक दर्जा, कि जम्मू एंड कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा जिसे कि नलीफाई कर दिया गया, जिसे कि निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया पिछले साल अचानक से, तो इस बात का पूरी तरीके से समर्थन किया था, पूरे जोश के साथ समर्थन किया था। किसने? मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। बट ही हैड ऑल्सो ओपनली कॉल्ड आउट। कॉल आउट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को चुनौती देना, किसी की आलोचना करना। तो एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, इस बात से आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अगर ये कहते हो ना कि वो जो है हिंदुत्व का समर्थन करने वाले, किस बात से? कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल जो बीजेपी पार्टी ने फैसला लिया था ना अचानक से, जो जम्मू एंड कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा था उसको समाप्त कर दिया था, तो इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थन किया था। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बीजेपी पार्टी की आलोचना भी की थी। बट ही हैड ऑल्सो ओपनली, बिल्कुल खुले रूप में इन्होंने जो है कॉल्ड आउट, आलोचना की थी बीजेपी गवर्नमेंट की, कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो है इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, एंड इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का मतलब अक्षमता, कि बीजेपी पार्टी की अक्षमता और बीजेपी पार्टी की असंवेदनशीलता की इन्होंने आलोचना की थी। इन कंट्रोलिंग द कम्युनल वायलेंस, है ना, ये जो कम्युनल वायलेंस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक तरीके से सामुदायिक हिंसा, कि भाई जो है सामुदायिक हिंसा अभी हाल ही में फरवरी में दिल्ली में हमें देखने को मिली, उसको नियंत्रित कर पाने में, उसे कंट्रोल कर पाने में बीजेपी पार्टी जो है अक्षम रही, है ना। तो इसके लिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है बुरी तरीके से जो है आलोचना की थी, किसकी? बीजेपी पार्टी की। आगे देखते हैं कि मिस्टर सिंधिया विल हैव टू अर्न। मिस्टर सिंधिया को कमाना होगा, क्या कमाना होगा? हिज सैफ्रॉन स्ट्राइप। ये जो सैफ्रॉन शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है केसरिया, और ये जो स्ट्राइप्स है इसका मतलब होता है धारियाँ, जैसे चीते के ऊपर होती है ना काली काली धारियाँ, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइप्स। तो एक तरीके से कि मिस्टर सिंधिया विल हैव टू अर्न हिज सैफ्रॉन स्ट्राइप्स, कि मिस्टर सिंधिया को अपना केसरिया रंग कमाना होगा, यानी कि हिंदुत्ववादी छवि को उन्हें कमाना होगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी उन्हें हिंदुत्ववादी छवि अगर वे चाहते हैं तो। एंड द राइट्स, राइट्स का मतलब होता है क्रियाकांड, दैट इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है एक तरीके की दीक्षा, जैसे कि कोई संन्यास, किसी व्यक्ति को जब संन्यास में दीक्षित किया जाता है ना, तो इनिशिएट करना, दीक्षा करना, किसी चीज़ की जो है शुरुआत करना, द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। विल बी प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड का मतलब होता है लंबा। एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब है परीक्षणकारी। तो एडिटोरियल यह कहना चाहता है कि अगर मिस्टर सिंधिया जो है एक हिंदुत्ववादी जो है एक तरीके से हिंदुत्ववादी पर्सनैलिटी चाहते हैं, तो उन्हें इस पर्सनैलिटी को जो है प्राप्त करना होगा। एंड द राइट्स ऑफ दैट इनिशिएशन, और
यह जो हिंदुत्व की पर्सनालिटी प्राप्त करने की जो शुरुआत है ना, उसके जो क्रियाकांड है, ये बड़े ही लंबे चलेंगे और बड़े ही परीक्षणकारी होंगे। अभी तो उन्हें काफ़ी परीक्षणों से गुजरना होगा, तब जाके उनकी वैसी छवि निर्मित हो पाएगी जैसी छवि निर्मित किन किन लोगों ने कर रखी है, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, इन्होंने जैसी अपनी हिंदुत्ववादी छवि बना रखी ना, अगर ऐसी छवि ज्योतिरादित्य सिंधिया निर्मित करना चाहते हैं तो ये काफ़ी प्रोलॉन्ग, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, काफ़ी परीक्षणों से उन्हें गुजरना होगा। ये डिटेल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि द बीजेपी एंड द मोदी शाह कंबाइन, कि द बीजेपी एंड द मोदी शाह कंबाइन, कि मोदी शाह का ये जो युग्म है, उनका ये जो जोड़ा है, दैट रेल अगेंस्ट, रेल RAIL, इस रेल का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना, किसी चीज़ का विरोध करना। तो मिस्टर बीजेपी पार्टी और खास करके मिस्टर मोदी और शाह की जो जोड़ी है, लगातार विरोध करती रही है किस चीज़ का, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का मतलब होता है वंशवाद की राजनीति, एंड एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है हकदारी, कि भाई हमारे बाप दादा जो थे वो पॉलिटिक्स में थे तो हमें भी जो है राजनीति में आने का हक मिल जाता है। तो इस बात का विरोध कौन करते रहे हैं, बीजेपी पार्टी जो है ना वंशवाद की राजनीति का लगातार से विरोध करते रहे, और खासकर मोदी और अमित शाह जो है इस वंशवाद की राजनीति का विरोध करते रहे। विल हैव टू स्पिन, विल हैव टू स्पिन का मतलब है अब इन दोनों को, यानी कि मोदी और शाह को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, और खास करके बीजेपी पार्टी, इन सब लोगों को जो है दोबारा से निर्मित करना होगा, ए न्यू स्टोरी, एक नई कहानी इनको निर्मित करनी होगी फॉर मिस्टर सिंधिया, मिस्टर सिंधिया के लिए। क्यों साहब? क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वंश, किसी भी वंश से, राजघराने से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनके जो राजनीति में एक तरीके से जो हकदारी होती है कि वे राजनीति में आ जाते हैं ना, वंशवाद की राजनीति का ये लोग विरोध करते रहे हैं। तो अब इनके लिए इनको एक नई कहानी कहनी होगी। भाई जब लोग बाग इनसे पूछेंगे कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये तो राजशाही वंश से हैं, तो अगर आप इन्हें अपनी पॉलिटिक्स में लेते हो तो इसका मतलब है आप वंशवाद को बढ़ावा देते हो। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन देने के लिए इन्हें जो है एक नई कहानी गढ़नी होगी। हु विल बी द 5th ग्वालियर रॉयल्टी, ग्वालियर रॉयल्टी का मतलब है ग्वालियर के राजघराने के लोग, ग्वालियर रॉयल्टी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ग्वालियर के राजशाही लोग। तो हु विल बी द 5th, तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वह पांचवे व्यक्ति होंगे ग्वालियर राजघराने से संबंधित जो कि सुशोभित करेंगे। अडॉर्न का मतलब होता है सुशोभित करना, सजाना, टू अडॉर्न ए फॉर्मल पोजिशन, जो कि एक औपचारिक पद ग्रहण करेंगे बीजेपी पार्टी में, इन द पार्टी। तो अब बीजेपी पार्टी को एक्सप्लेनेशन देना होगा कि भाई आप तो जो है राजशाही लोगों का विरोध करते हो, वंशवाद की राजनीति का विरोध करते हो, तो अब आप इनको कैसे जो है अपनी पार्टी में जगह दे रहे हो, और ये कौन से होंगे, ये पांचवे व्यक्ति हैं जिनको कि बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी में लेने जा रही है, पांचवे शाही व्यक्ति, पांचवे राजशाही व्यक्ति। आगे देखते हैं कि हिज फादर, उनके पिता जिनका कि नाम है माधवराव सिंधिया, हु स्पेंट, अब इन्हीं के बारे में कहा गया, उनके पिता के बारे में कहा जाए, उनके पिता माधवराव सिंधिया हु स्पेंट, जिन्होंने कि बिताया मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए कांग्रेसमैन, उनके पिता माधवराव सिंधिया जिन्होंने कि अपना ज़्यादातर समय जो है एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बिताया, हेड स्टार्टेड, अब माधवराव सिंधिया के लिए ही कहा जा रहा है आगे, हेड स्टार्टेड, इन्होंने शुरू किया था हिज कैरियर, मिस्टर माधवराव सिंधिया ने अपने जो राजनीतिक कैरियर था उस राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी एज अ जनसंघ लीडर। बीजेपी पार्टी जो है ना उसका पुराना नाम है जनसंघ पार्टी, तो यानी कि ये जो माधवराव सिंधिया है यह भी अपने बिल्कुल शुरुआती राजनीतिक करियर जो इन्होंने शुरू किया था ना, तो अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में यह क्या थे, जनसंघ के नेता थे, यानी कि एक तरीके से बीजेपी पार्टी में ही शामिल थे ये। आगे देखते हैं डिटेल क्या बात करता है कि वाइल हिज लीनियज, लीनियज का मतलब होता है एक तरीके से आपकी ये जो एक तरीके से वंशज, वाइल हिज लीनियज माइट बी ए बर्डन ऑफ सॉल्ट्स, ऑफ सॉल्ट्स का मतलब होता है इस तरह के, माइट बी का मतलब है इस बात की संभावना बनती है कि साहब ये जो एक तरीके से वंश का ये जो वंशवादी जो लेबल लगा हुआ है ना मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया पे, ये क्या है, एक तरीके का भार हो सकता है, माइट बी ए बर्डन ऑफ सॉल्ट्स इन द एंटी एलीट। देखो एलीट का मतलब क्या होता है, एलीट का मतलब होता है एक तरीके से कुलीन लोग, है ना, जो अपने आप को सभ्य समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, एंटी एलीट पॉलिटिक्स, कि भाई दो तरह की राजनीति है, एक तो हो गई वंशवाद वाली राजनीति, एक हो गई सामान्य व्यक्तियों की राजनीति जो कि किसी वंश से जुड़े हुए नहीं है। तो मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का किसी खास वंश से जुड़ा होना एक तरह का भार हो सकता है, एक तरह का वजन हो सकता है इन द एंटी एलिट पॉलिटिक्स, कि वे लोग जो कि एंटी एलिट पॉलिटिक्स का समर्थन करते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि साहब ये जो राजशाही से जो जुड़े हुए लोग हैं इनका बहिष्कार करो, इन राजनीति में नहीं आने दो, दैट द करंट बीजेपी लीडरशिप क्लेम्स टू प्रोमोट, कि वर्तमान में जो बीजेपी से जुड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो ये दावा करते हैं, क्लेम्स क्या दावा करते हैं,
वो ये दावा करते हैं, बीजेपी के नेता या बीजेपी पार्टी वर्तमान में जो है ये दावा करती है कि साहब हम एक ऐसी राजनीति का समर्थन करते हैं जो कि वंशवाद से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि किसी खास वंश से जुड़े हुए हैं, उनका बीजेपी में, बीजेपी पार्टी में आना जो है ना, एक तरीके का उनके लिए जो है परेशानी खड़ी कर सकता है, एक तरीके का भार उनके लिए जो है खड़ा हो सकता है। ये डिटेल जो है यहाँ तक बात करता है। द एज्ड एसोसिएशन ऑफ हिज फैमिली, एज्ड एसोसिएशन इसका मतलब है कि भाई लंबे समय से जो जुड़ाव है किनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी फैमिली का लंबे समय से जो एसोसिएशन है, लंबे समय से जो गठबंधन है, जो जुड़ाव है ऑफ हिज फैमिली विथ हिंदुत्व पॉलिटिक्स, हिंदुत्व राजनीति के साथ मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार का जो एक लंबा जुड़ाव है ना, कुड मेक हिम एलिजिबल, वह उन्हें इस योग्य बना सकता है फॉर अ वेलकम, कि उनका स्वागत किया जाए। दैट द आरएसएस यूजुअली डजंट ऑफर टू लेट कमर्स, कि आरएसएस जो है सामान्यतया जो भी उनकी पार्टी में लेट शामिल होता है, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े होने का दावा करता है और बहुत ही लेट आरएसएस से जुड़ता है ना, तो आरएसएस उसका स्वागत नहीं करती है। लेकिन एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि ठीक है कि मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में थे, लेकिन उनका जो वंश है ना वो कई, मतलब एक तरीके से बहुत लंबे समय से जो एक तरीके से हिंदुत्व पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो है वे इस योग्य हो सकते हैं कि उनका जो है एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति के रूप में आरएसएस में और बीजेपी पार्टी में सम्मान किया जाए। एज ही सेड, जैसा कि उन्होंने कहा, किन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। तो मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन की ना तो उन्होंने क्या कहा कि यह एक नई शुरुआत होगी। तो एडिटोरियल भी जो है एक नए अंदाज में कहता है कि अब जो भी हो अब तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ठीक है इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी पार्टी में ये आ गए हैं, इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग, यह एक नई शुरुआत होगी। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसकी सारी की सारी वोकैब को मैं आपको, इस वोकैब को पढ़ने के दौरान हम समझा चुका हूँ, तो अब एक बार जो है हम क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सॉमरसॉल्ट ये पहले भी आया हुआ था और मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है ये पूछा जा सकता है। सॉमरसॉल्ट इसका मतलब है एक तरीके से कलाबाजी दिखाना। तो यहाँ पर कलाबाजी दिखाना का अर्थ ना हो कि यहाँ पर है रंग बदलना। रंग बदलना मतलब जब आप अपनी विचारधारा को पूरी तरीके से बदल डालते हो ना, तो उसको बोलते हैं सॉमरसॉल्ट। तो समझ गए ना, सॉमरसॉल्ट का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है, टाइगर श्रॉफ को देखा होगा ना आपने, एक पलटी मारता है बिल्कुल हवा में खड़ा होकर, फिर दोबारा अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है ना, पूरा फ्लिप, एक तरीके से पूरा पलट जाना, उसको हम बोलते हैं समरसॉल्ट। तो यहाँ पे समरसॉल्ट कहा गया है अपनी विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए, कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया है, तो एक तरीके से ये एक समरसॉल्ट है। प्रोफेस का मतलब है किसी चीज़ में आप अपनी आस्था दिखाते हो ना, तो उसको बोलते हैं प्रोफेस। ट्रेट यानी लक्षण। ह्यूमर का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करने के लिए जब आप कोई काम करते हो ना, तो उसको बोलते हैं ह्यूमर। मॉर्सेल का मतलब है निवाला। अर्बेन का मतलब है सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत, सुसंस्कृत। टेम्पलेट का मतलब है एक तरीके का नमूना, या फिर कोई भी ऐसी बात जिसके ऊपर कोई दूसरी बात आधारित होती है ना, यानी कि किसी चीज़ को नमूना बना के जब आप कोई काम करते हो ना, तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट। ड्रिफ्ट का मतलब है इधर उधर बहना, मंद बहाव। एनिहिलेट का मतलब है विनाश करना। एडी का मतलब है भंवर या फिर चक्कर, है ना। इसके बाद है स्टीयर ए कोर्स, इसका मतलब होता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कई उपाय करना, है ना, ध्यानपूर्वक कई उपाय करना, उसको बोलते हैं स्टीयर कोर्स। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है अभिषेक। इसके बाद है टॉर्च बियरर का मतलब है पथ प्रदर्शक। कॉल आउट इसका मतलब होता है आलोचना करना या फिर चुनौती देना। इनिशिएशन इसका मतलब होता है दीक्षा या फिर एक तरीके से प्रवर्तन करना। पहली बार जब आप किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में शामिल करते हो ना, या पहली बार किसी चीज़ की शुरुआत करते हो, तो उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। इसके बाद है रेल, RAIL है। तो रेल का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना या फिर किसी चीज़ का विरोध करना, लगातार जब आप विरोध करते हो ना, परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली मतलब लगातार जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हो, किसी चीज़ के खिलाफ कोई बातें कहते हो, तो उसको हम बोलते हैं रेल। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ।